दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहा है टॉप सेलिंग एमपीवीज इन जून। नंबर टेंथ पोजीशन पर आए डैटसन गो प्लस। इस गाड़ी की जून में केवल 12 यूनिट्स ही बिक पाई थी। इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस शुरू होती 4.262 और जाते हैं 7.00 लाख। नंबर नाइन्थ पोजीशन पर आए टोयोटा वेलफायर। इस गाड़ी की जून में केवल 63 यूनिट्स बिकी थी। इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस शुरू होती 89.87 लाख से शुरू होती है। नंबर एट पोजीशन पर आई है महिंद्रा की मैराजो। इस गाड़ी की जून में 402 यूनिट्स बिकी थी। इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस 12.032-14.12 लाख तक जाती है। नंबर सेवन्थ पोजीशन पर आई किया कार्निवल। इस गाड़ी की जून में 503 यूनिट्स बिकी थी। इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस 24.952-33.95 लाख तक जाती है। नंबर सिक्स पोजीशन पर आई है रिनॉल्ट की टाइबर। इस गाड़ी की जून में 1790 यूनिट्स बिकी थी। इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस शुरू होती 5.492-7.95 लाख तक जाती है। नंबर फिफ्थ पोजीशन पर आई है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। इस गाड़ी की जून में 2973 यूनिट्स बिकी थी। इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस 16.532-24.60 लाख तक जाती है। नंबर फोर्थ पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी एक्सेलसी। इस गाड़ी की जून में 3978 यूनिट्स बिकी थी। इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस 9.922-11.70 लाख तक जाती है। नंबर थर्ड हाइएस्ट सेलिंग कार है महिंद्रा की बोलेरो। इस गाड़ी की जून में 5744 गाड़ी की एक शोरूम प्राइस शुरू होती 8.422 टॉप एंड वेयर के जाते हैं 9.41 लाख। बोलेरो नियो न्यू जेनरेशन इस महीने जून के महीने में 15 जून को लॉन्च किया जाएगा। नंबर सेकंड पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी इको। इस गाड़ी की जून में 9,280 यूनिट्स बिकी थी। इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस शुरू होती 4.102-5.29 लाख तक जाती है। नंबर फर्स्ट पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी एर्टिगा। इस गाड़ी की जून में 9,920 यूनिट्स बिकी थी। इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस शुरू होती 7.78-10.56 लाख तक जाती है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।